सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए न्यू इंटरेस्टिंग बैटल रॉयल गेम लेकर आ गया हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, जिस गेम के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें सारे के सारे फीचर्स आपको फ्री फायर के तरीके के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और फ्री फायर और पबजी के तरीके के वहाँ पर आपको ग्राफिक्स उस गेम के देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। गेम का कॉन्सेप्ट जो है वो सारा का सारा फ्री फायर या फिर पबजी मोबाइल वाला ही देखने को मिलता है। एक बैटल रॉयल गेम है और गेम का साइज़ बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, मतलब कि 100 MB में आपको वो गेम देखने को मिल जाएगी। 105 MB सिर्फ और सिर्फ उस गेम का साइज़ है, मतलब कि 1 GB RAM भी अगर आपके मोबाइल की आपकी डिवाइस की 1 GB RAM भी है तो फिर भी आप उस बहुत ही आसानी से उस गेम को अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले कर सकते हो। तो जल्दी से गेम के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हर वीडियो में एक चैनल को शॉर्ट आउट दिया करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर देना होगा। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा या फिर जिसका कंटेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं अगली वीडियो में प्रमोट करूंगा। तो जाइए और फिर जाकर कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को फुल एंड तक भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गेम को जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके की आपको गेम की मेन लॉबी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गेम की मेन लॉबी है, सिंपल सी मेन लॉबी है। यहाँ पर करेक्टर पर अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना जो नेम होगा निकनेम उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेटिंग पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप सेंसिटिविटी को कंट्रोल्स कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप लो मीडियम या हाई ग्राफिक्स अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल की 1 GB RAM भी है तो फिर भी आप हाई ग्राफिक्स पर भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद साउंड का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आपको इंग्लिश को ही रखना होगा, और क्लोज पर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद यहां पर हम नीचे देखें तो यहां पर टास्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डेली रिवॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इन्वाइट अ फ्रेंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड को इन्वाइट कर सकता है लेकिन ये एक ऑफलाइन गेम है, ऑनलाइन गेम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि यहां पर आपको सारे बॉट्स देखने को मिलेंगे, एक ही मोड देखने को मिलता है जो कि एक बैटल रॉयल का मोड आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा तो यहां पर आपको थोड़े बहुत ऐड भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इक्विपमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी गन्स भी देखने को मिल जाती हैं, सारी की सारी पबजी या फिर फ्री फायर वाली गन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर मैं करेक्टर पर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 करेक्टर सिर्फ यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल जाएंगे जिनकी कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं। एबिलिटीज़ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इसकी एबिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद मनी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप मनी भी इसकी बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है वो बैटल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और डायरेक्टली बैटल रॉयल मोड जो है वो मेरा ओपन हो जाएगा। और एक ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन गेम है, आप इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी खेल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड मुझे शो हो रहा था यहाँ पर क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो वो इस टाइम ऑन है। तो यहाँ पर आपको वही सारा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, फ्लाइट एक देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि ये एक ऑफलाइन गेम है इसलिए यहाँ पर आपको कोई वेटिंग लॉबी नहीं देखने को मिलती। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इजेक्ट कर देता हूँ और नीचे उतर कर लैंड होकर हम देख लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर आपको गेम का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लैंड हो रहे हैं और यहाँ पर आपको सारे के सारे बॉट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एक ऑफलाइन गेम है। और देख लेते हैं कि किस तरीके का गेम का जो है एक्सपीरियंस होने वाला है, बॉट्स किस तरीके के हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंड होते ही काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स और काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर लैंड होते ही आपको 2 गन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, एक पिस्टल और एक असॉल्ट राइफल आपको पहले की देखने को मिलेगी। और उसके बाद इसके कंट्रोल्स आप देख सकते हैं और इसकी कुछ एबिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लूट भी कर सकते हैं घरों में जाके। और यहाँ पर जो इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर गेम का जो एक्सपीरियंस है मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो 100 MB के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिले। और 1 GB RAM में भी आप इसको अल्ट्रा ग्राफिक्स पर भी प्ले कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के शुरू में ही। तो यहाँ पर आपको जोन भी देखने को मिलता है जो कि आपको लैंड होते ही यहाँ पर जोन शुरू हो जाएगा। और मैप इसका काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, थोड़ा पबजी के तरीके का इसका मैप है। और थोड़ा बहुत जहाँ पर मुझे इसकी गन्स वगैरह जो है और इसका करेक्टर जो है वो फ्री फायर के तरीके का भी लगा। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लाजमी से बताइएगा कि आपको ये गेम कैसी लगी और किस गेम के तरीके की ये गेम है, या क्या ये पबजी के तरीके की गेम है या फिर फ्री फायर जैसी ये गेम है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी से बताइएगा। और आप इस गेम को कितना रेट करना चाहते हैं, 10 में से कितने नंबर देना
खेलना चाहता है इस गेम को, वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। पहले इसके साइज को देखिएगा, इसके ग्राफिक्स को बाद में डिसाइड कीजिएगा। तो अब यहाँ पर फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी चेक कर लेते हैं। एक बॉट है जो कि मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है और मेरे पास स्कोप भी अच्छा है और गन भी अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गोलियाँ जो उसको लगने के बाद फिर जाके वो ये जो बॉट है वो मरा है। और एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए ऊपर आपको किसी मुल्क का फ्लैग बना भी नज़र आएगा और नाम भी लिखा आएगा। हालांकि ये कुछ भी नहीं होगा, कोई ऑनलाइन प्लेयर नहीं होंगे, ये एक बॉट होंगे सिर्फ और सिर्फ, और उनके आप लूट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑटो शूट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आप क्लिक करके ऑटो शूटिंग के ऑप्शन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एक बैटल रॉयल का जो कॉन्सेप्ट और इसका एक्सपीरियंस है ना, ये आपको ऑनलाइन गेम में ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑफलाइन गेम में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट और काफ़ी अच्छा ये गेम आपको देखने को मिल जाता है। और आपको लगेगा ही नहीं कि एक ऑफलाइन गेम को आप प्ले कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक बॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके साथ अगर आप फाइट करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप रियल प्लेयर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इस गेम को प्ले किया तो मुझे पता लगा कि ये गेम ईजी बिल्कुल भी नहीं है, टफ गेम है। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जो है रियल प्लेयर्स के साथ इस गेम को प्ले कर रहे हो, बॉट्स लगेंगे ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ये टफ गेम बनाई गई है। तो मैंने जितनी बार भी इस गेम को प्ले किया मुझे इस गेम का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, और 100 MB के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिल जाती है, और वो भी इंटरनेट कनेक्शन के बगैर आप प्ले कर सकते हो। एक ऐसी बैटल रॉयल गेम है जो कि आपको वही फीचर्स प्रोवाइड करेगी जो कि आपको एक ऑनलाइन गेम प्रोवाइड करती है। तो गेम का नाम बताने से पहले और गेम को डाउनलोड कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको इसकी एक एबिलिटी बता दूं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक शील्ड सी क्रिएट हो जाएगी, जिसके दो फायदे हैं। एक तो आपको कवर मिल जाएगा आपके ओपोनेंट प्लेयर से, और दूसरी बात है जो इसके आगे गन लगी होगी, अगर आप इसके सामने आएंगे तो खुद ब खुद ये गन जो है वो आपके ओपोनेंट प्लेयर को किल कर देगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी एबिलिटी है। और भी कुछ एबिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, आप इस गेम को खुद से डाउनलोड करके उन एबिलिटीज़ को चेक कर सकते हो। प्ले स्टोर पर ही आपको ये गेम देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर का ही लिंक है, आप जाकर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। गेम का जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखकर यही कह रहे होंगे भाई मजा आया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे तो प्रेस कर ही दिया होगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जाकर, ताकि अगली वीडियो में आपको शॉर्ट आउट मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।